आप मुझे देख रहे हैं एमिनेस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंगाबाई घाट में रोज के 70 शव और रात का सन्नाटा। यवतमाल में कोरोना से 26 की मौत। अमरावती में पॉजिटिव हुए 55,000 के पार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गंगाबाई घाट में रोज के 70 शव और रात का सन्नाटा। शहर में कोरोना महामारी से मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। ऐसे में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए गंगाबाई घाट पर शवों की संख्या बढ़ी है कि अब गंगाबाई घाट परिसर में जहां जगह दिखती है वहीं शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गंगाबाई घाट पर एक ही दिन 70 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रात का सन्नाटा और गंगाबाई घाट से उठती आग की लपटें रोज दिखाई दे रही है। घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है, कुछ शवों को तो इंतजार करना पड़ रहा है। तो वही दूसरी ओर यवतमाल में कोरोना से 26 की मौत। यवतमाल जिले में शुक्रवार को रिकॉर्ड 26 लोगों की कोरोना ने जान ली। इनमें से 22 की सरकारी अस्पताल में जबकि 4 की निजी अस्पतालों में मौत हो गई। वहीं 1,236 नए पॉजिटिव पाए गए जबकि 660 के कोरोना मुक्त होने से उनके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज मृत मरीजों में यवतमाल के 36, 55, 40, 80, 51, 69 वर्षीय पुरुष व 40 वर्षीय महिला, यवतमाल तहसील के 45 वर्षीय पुरुष व 60 वर्षीय महिला, मारेगांव तहसील के 65 वर्षीय पुरुष, दारवाहा की 40 वर्षीय महिला व 60 वर्षीय पुरुष, दिग्रश की 80 वर्षीय पुरुष व दिग्रश तहसील के 70 वर्षीय पुरुष का समावेश है। तो वही तीसरी ओर अमरावती में पॉजिटिव हुए 55,000 के पार। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से ग्रस्त 3 मरीजों की मौत हो गई है। कुल मृतकों की आंकड़ा 7,052 पर पहुंच गई है। शुक्रवार को कोरोना से 680 नए मरीज मिले। इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55,177 हो गई है। कोरोना का पहला मरीज अप्रैल 2020 में मिला था। 2021 में फरवरी के बाद से कोरोना का कहर अधिक बढ़ गया है। 16 अप्रैल की शाम तक कुल मरीजों की संख्या 55,000 के पार हो गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।